दोस्तों, धरती के टिके रहने को लेकर आपके बचपन में भी कोई ना कोई कहानी जरूर आई होगी। आपने उस कहानी को सुना भी होगा और उसे उस वक्त सच भी मान लिया होगा। ऐसी कहानी एक मैंने भी सुनी थी, जिसमें कहा गया था कि नंदी के सींग पर हमारी धरती टिकी हुई है और जब नंदी एक सींग से दूसरे सींग पर धरती को बदल लेता है, तब उस समय धरती पर भूकंप आ जाता है। यदि आपने भी कोई ऐसी कहानी सुनी है तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए और कौन सी कहानी आपने सुनी थी। लेकिन सवाल वही का वही है कि हमारी पृथ्वी आखिर अंतरिक्ष में टिकी हुई कहां है। दोस्तों, जब पहली बार इंसान ने पृथ्वी से ऊपर उठकर उड़ान भरी, तब उसने पहली बार धरती को आसमान में देखा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहा है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी देखने में बड़ी सुंदर है और अभी तक ब्रह्मांड में यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां हमने पता किया है जहां पर जीवन है, यानी हमारी पहुंच में अभी तक हमने कहीं भी जीवन के दर्शन नहीं किए हैं। लेकिन कभी दिमाग में यह सवाल हमेशा आता है और आता रहेगा कि आखिर हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में किस चीज पर टिकी हुई है, क्योंकि पृथ्वी के दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं इसके ऊपर ये टिक सके। इतना ही नहीं, पृथ्वी किसी डोर या धागे से भी नहीं बंधी है, तो फिर कैसे सूरज का चक्कर लगाते हुए एक गति में घूमती रहती है और उस दूरी को भी मेंटेन करती है जिस दूरी से ये सूर्य का चक्कर लगाती है। तो चलिए आज हम इन्हीं सवालों का जवाब हमारे इस वीडियो में देने की कोशिश करते हैं। अंतरिक्ष में सूरज का निर्माण और अन्य ग्रहों के अस्तित्व में होने से ही लाखों सालों में कई परिवर्तन हुए हैं, या फिर यूं कहें जिनकी वजह से धरती पर जीवन संभव हो पाया है। पृथ्वी पर शुरुआती दिनों में जीवन का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि केवल एक दहकती हुई आग का गोला थी। आज के समय में आप शुक्र ग्रह को देख सकते हैं, ऐसी ही धरती हुआ करती थी जहां का तापमान बहुत ज्यादा हुआ करता था और चारों तरफ ये आग से झुलसी हुई दिखाई दे रही थी। जो पृथ्वी आज आपको रंग बिरंगी दिखाई देती है या नीले रंग का जो गोला दिखाई देती है, यह एक आग के गोले जैसे दिखाई देती थी। इसके बाद के समय में यह ठंडी होती चली गई। इसके बाद चांद का निर्माण हुआ, जिससे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल तैयार होने लगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के मुकाबले बहुत ही कम है। इसी की वजह से पृथ्वी लगातार सूर्य के चक्कर लगाती रहती है, क्योंकि चक्कर नहीं लगाएगी तो सूरज पृथ्वी को अपनी ओर खींच लेगा और पृथ्वी सूरज में समा जाएगी। केवल पृथ्वी नहीं, बल्कि हमारे सौरमंडल के जितने भी प्लैनेट हैं, वो भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत है कि कोई भी ग्रह अपना ऑर्बिट छोड़कर नहीं जा सकता। वह सूरज से जितना दूर है, उतनी ही दूरी पर उसकी परिक्रमा करता रहेगा। इसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हमारी पृथ्वी घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती रहती है और न कभी इससे दूर जाती है और न ही कभी इसके पास आती है। जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, इस चक्कर में लगाया गया समय धरती पर एक साल का होता है। लेकिन यहां पर एक सवाल ये भी उठता है कि पृथ्वी का सूर्य के साथ कनेक्शन केवल गुरुत्वाकर्षण बल का ही नहीं है, फिर इसके पीछे कोई और भी वजह है। अगर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत है, तो फिर क्यों वह पृथ्वी को अपनी ओर खींच नहीं लेता, पृथ्वी को निगल क्यों नहीं जाता, पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित क्यों नहीं कर लेता? वैसे अगर देखा जाए, जिस वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है, वह दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचने लगती है। उदाहरण के लिए, जैसे अंतरिक्ष में कोई उल्कापिंड या शुद्र ग्रह पृथ्वी के ऑर्बिट में दाखिल होता है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे अपनी ओर खींचता है। इसका परिणाम ये निकलता है दोस्तों, उल्कापिंड और शुद्र ग्रह का टकराव पृथ्वी से हो जाता है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य से केवल गुरुत्वाकर्षण बल से ही नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि इसके अंतरिक्ष में टिके रहने का कारण भी यही है। वास्तव में पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार घूमती है, जिसके परिणाम स्वरूप धरती पर दिन और रात संभव हो पाते हैं। 24 घंटे में पृथ्वी के घूमने की इस प्रक्रिया को रोटेशन ऑफ अर्थ कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में अपने ही अक्ष पर घूमना कहते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूरज का एक साल में एक चक्कर पूरा करती है, तो उस प्रक्रिया को रेगुलेशन ऑफ अर्थ कहा जाता है। सूर्य पृथ्वी और अन्य प्लेनेट को अपने गुरुत्वाकर्षण बल में बांधे हुए है, जिसके परिणाम स्वरूप सारे प्लेनेट उसकी परिक्रमा करते हैं। ऐसे में हमारे मन में यह भी सवाल आता है कि सूर्य में इतना गुरुत्वाकर्षण बल कहां से आया, जिसकी वजह से सारे प्लेनेट उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं और एक स्थान पर ठहरे रहते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल कैसे धरती की पोजिशन को तय करता है? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल समझने के लिए आपको अंतरिक्ष की बनावट और उसमें उपस्थित सूर्य की मौजूदगी को समझना होगा, जिसकी वजह से सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों का स्थान तय हो पाता है। अंतरिक्ष में सूर्य
और बाकी प्लेनेट की मौजूदगी को लेकर महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक थ्योरी दुनिया के सामने पेश की थी, जिसे जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी के अनुसार अंतरिक्ष में जब कोई वस्तु अपना स्थान ग्रहण करती है तो वह बैंड करके स्वयं का हिल स्फीयर रीजन का निर्माण करती है। ऐसे में उस हिल स्फीयर रीजन में आने वाला कोई भी ग्रह उस वस्तु के चारों ओर परिक्रमा करने लगता है। ऐसे ही हमारे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल और सौरमंडल के सभी प्लैनेट के साथ होता है, क्योंकि सभी प्लैनेट सूर्य द्वारा बनाए गए हिल स्फीयर रीजन के अंतर्गत आते हैं। इसी क्रिया को आप आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए अंतरिक्ष एक नेट नुमा चादर के समान है, जिसमें सूर्य की उपस्थिति एक बहुत बड़ी भारी भरकम बॉल के समान है। ऐसे में अगर उस सूर्यनुमा बॉल को चादर के ऊपर फेंक दिया जाए या रख दिया जाए, जो कि चादर हवा में झूल रही है, तो उसमें एक गड्ढा सा हो जाएगा, यानी कि वह चादर नीचे की ओर झुक जाएगी। सूर्य द्वारा बनाए गए उस गड्ढे की ओर छोटे ग्रह आकर्षित होने लगेंगे, क्योंकि अंतरिक्ष में मौजूद सूर्य का वह गड्ढा विशाल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का निर्माण करता है। इसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से एक स्थान पर स्थित रहने का क्षेत्र मिल जाता है जो अंतरिक्ष में दूर दूर तक मौजूद नहीं। ऐसे में पृथ्वी का अंतरिक्ष में टिके रहने का कारण सूर्य की उपस्थिति और उसका बल है, और उसके द्वारा बनाया गया हिल स्फीयर रीजन जिम्मेदार है, जो अंततः अंतरिक्ष में हमारी धरती को एक और जगह ठहर कर परिक्रमा करने के लिए स्थान प्रदान करता है। आखिर पृथ्वी सूर्य में क्यों नहीं समाती? अब आपको ये तो पता चली गया होगा कि हमारी पृथ्वी कैसे अंतरिक्ष में टिकी हुई है, लेकिन इसके साथ ही अब एक दूसरा सवाल भी खड़ा हो जाता है कि आखिर पृथ्वी सूर्य में समाती क्यों नहीं। असल में सूर्य का आकार एक विशालकाय बॉल के समान है, जिसके चारों ओर एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल का निर्माण होता रहता है। ऐसे में हमारी पृथ्वी जी डायरेक्शन में सूर्य का चक्कर लगाती है, जिससे हमारी पृथ्वी पर परपेंडिकुलर बल पड़ता है। इसका मतलब यह है, अगर सूरज अपनी जगह पर मौजूद न हो तो हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में गोल गोल रोटेट करती हुई एक ही दिशा में आगे की ओर ट्रेवल करने लगेगी, और पता नहीं ये इस अंतरिक्ष में कहां चली जाएगी। ऐसे अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी का सफर कभी न खत्म होने वाला सफर बन जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष का न तो कोई छोर है और न ही कोई अंत है। हमारी धरती एक भटके हुए उल्का पिंड की तरह कहीं भी चली जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप हमारी पृथ्वी पर न तो दिन होगा न ही रात, और साल तो कभी होंगे ही नहीं, सब कुछ एक जैसा हो जाएगा। लेकिन सूर्य का विशालकाय आकार और उसकी आवर्ती गोल होने की वजह से पृथ्वी जब सूर्य के पहले कर्वेचर पॉइंट से दूसरे कर्वेचर पॉइंट तक का सफर तय करती है, तो सूर्य के कर्वेचर पॉइंट की वजह से पृथ्वी का डायरेक्शन उसके कर्व की तरफ झुकने लगता है। इसलिए हमारी पृथ्वी इसी झुकाव वाली अवस्था में सूर्य का चक्कर लगाने लगती है, जिसकी वजह से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से सीधा इफेक्ट होकर सूर्य के अंदर नहीं समाती। दूसरी तरफ सूर्य का विशाल गोलाकार और विशाल कर्वेचर हमारी पृथ्वी और अन्य प्लेनेट को अपने से बांधे रखता है, जिसकी वजह से कोई भी ग्रह अपनी दिशा नहीं भटकता और सौरमंडल में अपनी अपनी जगह पर टिका रहता है। अगर आसान भाषा में समझे तो हम ये समझ सकते हैं कि जितनी शक्ति से सूर्य इन ग्रहों को अपनी ओर खींचता है, उतना ही बल ये अपनी घूर्णन गति से क्रिएट करते हैं। यानी कि इनके घूमने के लिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से इनको उतना ही बल मिल जाता है जितने बल से सूर्य इन्हें अपनी ओर खींच रहा है। इसकी वजह से ये अपनी एक पोजीशन बना लेते हैं, जिससे न तो ये सूर्य की ओर जाते हैं और न ही कहीं सूर्य से दूर जा पाते हैं। आशा करता हूं आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में कैसे टिकी हुई है और कैसे एक खुले आसमान में ये सब चीजें इधर उधर एक निर्धारित पाथ पर चल रही हैं। तो दोस्तों, ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।